नमस्कार दोस्तों, आज हम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी विभाज्यता के नियम की सेकेंड क्लास में उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा आईएमपी हैं। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को हम विथ डिटेल मेथड, फुल कॉन्सेप्ट और बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों फर्स्ट है हमारा, 3 पर 41 की घात प्लस 7 पर 82 की घात निम्न में से किस संख्या से विभाजित नहीं है। इसमें दो ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इस पैटर्न पर एक पूछता है विभाजित नहीं है, दूसरा पूछता है विभाजित है, निम्न में से किससे, जो क्वेश्चन है हमारा। अब अगर आप देख के इसका आंसर लगा पाए तो लगा भी सकते हैं, अगर आपको पहले से पता है ऑप्शन ये दे रखे हैं और जो आप लोगों ने रूल पढ़ रखा होगा मेरे हिसाब से वो ये पढ़ रखा होगा कि घातें समान हो तब जाके आप इसको हल कर सकते हो। कैसे, इनके टोटल से ये डिवाइड होती है, इन दोनों के सम टोटल से डिवाइड होती है आधार के। लेकिन यहां पे आप देख रहे होंगे कि घातें असमान हैं तो घातें समान बनाना पड़ेंगी, नहीं तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते, ना ही आप इसका आंसर बता सकते हो। तो घातें समान बनाने के लिए 3 पर 41 की घात प्लस 7 पर ये आप घात को ब्रेक करें, 2 गुणा 41 ये आपने ब्रेक कर दी, क्लियर है। या फिर आप इसको होल पावर में कन्वर्ट कर सकते हो, इस तरीके से होल पावर में 7 का वर्ग करेंगे दोस्तों 49, तो ये 41 प्लस 49 पर 41 की घात। अब इन दोनों के सम से, इन दोनों के सम से या टोटल से ये नंबर डिवाइड होगा। इन दोनों का जब आप टोटल करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 52 होगा, ठीक है। लेकिन हमको बताना है कि विभाजित नहीं है तो 52 तो यहां पर ऑप्शन में भी नहीं है। 52 के अलावा क्या कोई आप ऑप्शन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि जो नंबर 52 से डिवाइड है वो उसके गुणनखंड से भी तो डिवाइड होगा। देखिए जैसे 26 का 2 गुना 52, क्लियर है। आपको ये भी पता है कि इसमें 4 से भी भाग चला जाता है, 4 का भाग कितने जाता है, 13 का 4 गुना कितना है दोस्तों, 52 होता है, क्लियर है, ठीक है। ये 13 का 4 गुना 52 होता है, तो ये नंबर इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी होगा। इसके अलावा ये नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसके अलावा आप ऑप्शन में देखिए कि कौन सा नंबर है जो कि इसको डिवाइड नहीं कर रहा, तो वो कौन सा दोस्तों, केवल सी, एक ऑप्शन आपको दिखा जो डिवाइड नहीं कर रहा है। आप टेंशन बिल्कुल भी ना ले दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है आपके लिए नई बात है, मैं पूरा का पूरा आपको डिटेल मैथड विथ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ये अभी मैंने आपको हल करके भी बताया हुआ है, लगभग आप समझ भी गए होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब इसमें लिखा हुआ है निम्न में से किस संख्या से यह विभाजित नहीं है। 4 ऑप्शन है, आप आंसर लगा सकते हो। अब यहां पर देख रहे होंगे कि रूल वही काम करते हैं कि घातें समान होनी चाहिए, तो यहां पर 23 पर 10 की घात और यह बनता है दोस्तों 2 पर 10 की घात। और अगर इस पे सम घात है, कौन सी घात है दोस्तों, सम घात है और माइनस में है, तो ये प्लस से भी डिवाइड हो जाता है और माइनस से भी। माइनस मतलब कितना होगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। ऐसा क्या कोई ऑप्शन है, नहीं है। विभाजित नहीं हमको बताना है, लेकिन इसके ये फैक्टर से भी विभाजित हो जाएगा, 5 से और 7 गुणा 3 से। तो इनके अलावा जो ऑप्शन होगा वो हम आंसर में लगा देंगे। तो ये तो थी दोस्तों थोड़ी बहुत डायरेक्ट से इसको हल करने की बात, और डायरेक्ट भी मैंने कुछ नहीं बताया आपके लिए, पूरा का पूरा डिटेल में ही बताया हुआ है। अब हम इन सभी क्वेश्चनों को, प्लस वाले को और माइनस वाले को, समघात वालों को, विषमघात वालों को, पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कॉन्सेप्ट बनता कहाँ से है, ये कॉन्सेप्ट बनता कहाँ से। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए कुछ दिन पहले एक भाग अपलोड किया हुआ था सर्व समीकाओं पर आधारित प्रश्न या फिर सर्व समीकाएं, ठीक है ना, क्लियर। आइडेंटिटी मैंने आपके लिए अपलोड की हुई थी और मैंने बताया था कि इनका बहुत ज्यादा रोल है आपकी मैथमेटिक्स में। तो देखिए, एक आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से थी दोस्तों, ए का घन प्लस बी का घन बराबर ए प्लस बी और ए का वर्ग माइनस ए बी प्लस बी का वर्ग, इस तरीके से एक आइडेंटिटी थी जो 11 नंबर की थी। इसको हम कहां पे ला रहे थे, इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ला रहे थे, ठीक है, यहां बटे में ला रहे थे। अब यहां पर हमारे लिए ये देखना है, अब हम यहां से रूल को जनरेट करते हैं, ए पर एन पावर और बी पर एन पावर, घातें समान होनी चाहिए लेकिन प्लस में है, तो जब घात कैसी हो, जब घात विषम हो तो ये नंबर हमेशा डिवाइड होगा, ए पर एन की पावर प्लस बी पर एन की पावर, क्योंकि स्वयं से तो डिवाइड हर एक नंबर होता है। अरे भाई, 179 से 179 तो डिवाइड होगा ही होगा ना, जैसे यहां पे 7 पर 71 या 41 की पावर, ये डिवाइड हमेशा होगा ना, इससे एक बार हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यह किससे डिवाइड होगा उस पर हमको बात करनी है।
तो वो होगा किससे डिवाइड, a प्लस b से। अगर आप देख पा रहे हो a का घन धन b का घन बराबर a धन b ब्रैकेट में और दूसरा उसका गुणनखंड, तो एक हिसाब से इस नंबर के ये गुणनखंड ही तो लिखे हुए हैं। किस तरीके से, 12 बराबर 4 गुणा 3 इस तरीके से लिखे हुए हैं ना, ठीक है। लेकिन इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा लंबा है, तो जो इसके क्वेश्चन बनते हैं आज तक बने हुए हैं वो बनते हैं इसी पर, ठीक है। अब एक और यहां से हमारे लिए बात को क्लियर करना है, जो कि मैं अभी कर दे रहा हूं, जो कि डाउटफुल क्वेश्चन भी है, कई बार आ जाता है एग्जाम में, तो उसका हमें आंसर देना पड़ता है कि ज्ञात नहीं किया जा सकता इस तरीके से। ए पर एन की पावर प्लस बी पर एन की पावर, और जब घातें कैसी हो, जब घातें सम हो, जब घातें सम हो, तो यह नंबर नहीं बता सकते हम, यह नंबर हम नहीं बता सकते। क्यों, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि इसके गुणनखंड नहीं बनेंगे। यहां पर जब इसकी विषम घात है तब तो बन रहे हैं, जैसे यहां पर हम लिखेंगे a का वर्ग, अरे b का वर्ग, क्योंकि आपको पता है सम मतलब दो, तो इसके बराबर आप गुणनखंड नहीं बना सकते हो, जो कि अगर आपको पता हो a का वर्ग माइनस b के वर्ग में बनते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहां से यह ज्ञात नहीं किया जा सकता, यह ज्ञात नहीं किया जा सकता, है ना, क्लियर है। ज्ञात तो कर सकते हैं दोस्तों, है ना, एक बात ये भी है कि ज्ञात तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। क्यों नहीं, क्यों अपन ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको बेसिक से हल करोगे तो ज्ञात तो कर पाओगे, ज्ञात करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बनता है, या फिर इसके गुणनखंड नहीं बनते हैं। क्या नहीं बनते हैं दोस्तों, गुणनखंड नहीं बनते हैं, गुणनखंड नहीं बनते हैं, तो इस वजह से इसका क्वेश्चन भी नहीं बनता है। अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये था 3 पर 41 की पावर प्लस 7 पर 82 की पावर, जो हमने रूल पढ़ रखा है अभी के अभी वो ये है, a पर n की पावर प्लस b पर n की पावर, मतलब आधार समान हो सकते हैं और घातें समान होनी चाहिए, और घातें समान होने के साथ साथ विषम भी होनी चाहिए, लेकिन यहां घातें असमान थी, तो हमने इसके लिए विरेक किया, 82 के लिए 41 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 पावर होल पावर 41, क्योंकि 41 दूनी 82 और 3 पर 41 की पावर प्लस 7 का वर्ग 49 पर 41 की पावर, लीजिए हो गया काम। अब ये नंबर केवल और केवल डिवाइड होगा या तो इसी नंबर से, सेम यही नंबर हमको मिल जाए, या फिर इन दोनों के टोटल से, इन दोनों के टोटल से, तो 3 प्लस 49, इन दोनों को आप जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों, 52 आएगा, ठीक है। अब ये नंबर या तो 52 से डिवाइड होगा या 52 के फैक्टर से, तो देखें यहां पर 13 का 4 गुना 52 से भी हो सकता है और 26 का 2 गुना 52, इस तरीके से इतने नंबर से यह नंबर डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा किसी भी नंबर से यह डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा आंसर सी, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में बताना था कि यह विभाजित किससे नहीं होगा, यह विभाजित नहीं होगा, क्लियर है। मेरे हिसाब से आप बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर हम इसी में सेकंड देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन ले लेंगे, और क्वेश्चन इस तरीके से है कि यह विभाजित है, ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूं 128 पर 53 की घात प्लस यहां पर लिखा हुआ है 17 पर 53 की घात, ठीक है ना। घातें कैसी हैं दोस्तों, विषम हैं और समान भी हैं, और जो आधार लिखे हुए हैं वो प्लस में लिखे हुए हैं, यह किससे विभाजित होगा, तो हम पूरे के पूरे आंसर निकाल लेते हैं कि यह किससे विभाजित होगा। ये बात आप समझ गए हैं कि a प्लस बी से डिवाइड होगा, क्योंकि कभी आपको ऑप्शन में, इतना बेवकूफ एग्जामिनर तो है नहीं कि जो आपको ऑप्शन में आपको आधार ही दे दे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि भाज्य आपको विभाजक में नहीं मिलेगा, मतलब ऑप्शन में। तो 128 प्लस 17 8 7 15 कैरी 1 2 और 2 4 1 145 से तो ये डिवाइड होगा ही होगा, लेकिन आपको 99% 145 या इस तरीके से टोटल ही नंबर नहीं मिलता, क्योंकि क्वेश्चन सरल है, तो इसके फैक्टर हमारे लिए मिलते हैं, तो फैक्टर आप निकालें, कोई इशू नहीं है। 5 का आप भाग देंगे इसमें, भाई कितनी बार जाएगा, 5 का भाग देंगे तो यहां से 5 का 2 गुना दोस्तों 10, यहां से बचेगा 4, तो 5 का 9 गुना 45, तो या तो ये नंबर 29 से डिवाइड होगा या फिर 5 से, इसके अलावा ये नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से आप इस बात को समझ गए होंगे। अब दोस्तों मैं बात करता हूं माइनस वाले नंबर की, और माइनस वाले नंबर में दोस्तों दो कॉन्सेप्ट बनते हैं, दो कॉन्सेप्ट किस तरीके से बनते हैं, तो वह आप जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। दो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से बनते, जैसे एक क्वेश्चन में यही ले लेता हूं, एक में यही ले लेता हूं, ये मैंने माइनस लगा दिया, 128 पर 53 की घात माइनस 17 पर 53 की घात निम्न में से किससे विभाजित है,
ठीक है, आप टेंशन ना लें। इस क्वेश्चन को हल करने के बाद जो मैंने सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ था आपको 1024 वाला, वो भी मैं हल कराऊंगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो दिया गया है हमारा, यह किससे विभाजित है? तो सबसे पहले हम रूल की बात करते हैं। रूल मतलब हमारी सर्वसमिका आइडेंटिटी, जो कि हम पढ़ चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा आपको, तो आप वहां से चीजें देख सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से होती है, ए का घन माइनस वी का घन इज इक्वल टू ए माइनस वी ब्रैकेट में, और ए का वर्ग प्लस ए बी प्लस बी का वर्ग, ठीक है। अब आपको साफ नजर आ रहा है इसके बराबर ये लिखा हुआ है, तो ये गुणनखंड होंगे दोनों इसके। तो यहां से रूल बनते हैं जो, वो देखें आप ध्यान से, ए पर एन पावर माइनस बी पर एन पावर, और जब ये घातें कैसी हैं दोस्तों, विषम हैं। जब ये घातें विषम हैं तो ये नंबर डिवाइड होगा किससे होगा, एक तो ये स्वयं से हो जाएगा, जो कि हम फालतू या जबरदस्ती में लिख रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। एक ये डिवाइड होगा ए माइनस बी से। क्यों होगा? क्योंकि भाई ए का घन माइनस बी का घन, घन मतलब विषम, बराबर लिखा ही है साफ साफ कि ए माइनस बी और ए का वर्ग धन ए बी प्लस बी का वर्ग, ये कैसे हैं, दो गुणनखंड हैं, ठीक है। तो ये तो डिवाइड होगा ही होगा। साथ ही साथ अगर ए पर एन की पावर और बी पर एन की पावर हो, जब ये घातें कैसी हैं, जब ये घातें सम हैं, तो ये डिवाइड होगा दोस्तों a प्लस बी से भी और a माइनस बी से भी। अब आप बोलेंगे यार यहां सम का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो देखिए थोड़ा सा, सम मतलब वर्ग, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है, a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। तो इस तरीके से इस नंबर के ये दोनों क्या हो जाएंगे, गुणनखंड ही होंगे ना, टुकड़े ही ना होंगे। तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा अभी वर्तमान में, केवल और केवल होगा दोस्तों a माइनस बी से, क्योंकि इसकी घाते कैसी है, विषम है। तो a माइनस बी करने के लिए इनको हम घटा देंगे, तो 128 माइनस 17, ठीक है, 128 माइनस 17, 8 में से आप 7 घटाएंगे, क्लियर है, 1 2 में से 1 1 111। अब मैं पहले ही बता चुका हूं कि 99% ऑप्शन में 111 नहीं मिलेगा, तब आप आंसर क्या करेंगे, तब इसके आपको गुणनखंड देखना है। या तो पूछेगा विभाजित हो सकता है ये नंबर निम्न में से किससे, या विभाजित नहीं हो सकता है। तो यहां पर 37 गुणा 3 आप जानते हो, मैं आपके लिए ये भी बता रखा हूं विभाजकता के नियम, ठीक है, 37 का 3 गुणा कितना होता है, 111। तो ये जो नंबर है पूरा का पूरा या तो 37 से डिवाइड हो जाएगा, या 3 से, या 111 से, क्योंकि 111 से डिवाइड है तभी तो इनसे है ना, इसके अलावा या किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, या फिर स्वयं से डिवाइड होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से ये बात आप समझ गए होंगे, क्लियर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन माइनस में था या हो, और घात कैसी लगी हो दोस्तों, सम, जो कि मैंने लगा दी अभी, जो कि मैंने लगा दी, क्लियर है। अगर यही क्वेश्चन माइनस में लिखा हुआ है, आधार असमान और घातें समान लिखी हुई हैं, तो ये नंबर हमेशा डिवाइड होगा a प्लस बी से और ये माइनस बी से। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, फुल कॉन्सेप्ट है, इसको आप ट्रिक की तरह अप्लाई कर सकते हैं, आप अपनी मेमोरी में रख के याद करके, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं और मैंने बता भी दिया। तो ये माइनस बी मतलब इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी होगा, इससे तो हो ही रहा था तभी तो इन दोनों से हुआ। अब यह ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा, तो 128 प्लस 17 8 7 15 कैरी 1, 2 और 2 कितना हुआ 4, 145। इसका मतलब यह 29 गुणा 5 से भी डिवाइड होने लग रहा है, क्योंकि इससे डिवाइड हो रहा है तो इससे भी होगा, इससे भी होगा। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाता है, तब आपके लिए बहुत ज्यादा कठिनाई होती है कि इन चीजों को याद रखना, तो आपके लिए इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी होगी। आप बहुत अच्छे से जानते हो, कोई नई बात नहीं बताने लायक, ठीक है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस रखेंगे, और जो आइडेंटिटी है सर्वसमिका है, उनका तो पूरी की पूरी मैथ में बहुत ज्यादा रोल है। लेकिन अभी भी हम क्वेश्चन खत्म नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही है और नए टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। ये बस और बस मैं आपके लिए फाउंडेशन पकड़ाने की कोशिश कर रहा था। तो यहां से ये तय हुआ कि इतने नंबर से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, डिपेंड करता है दोस्तों ऑप्शन पर। अब हम जो भी क्वेश्चन लिखेंगे अगले, उनमें हम ऑप्शन जरूर लिखेंगे, ठीक है। ये आपको मैं फाउंडेशन बता रहा था। तो अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप वीडियो को एक दो बार देखें, चीजों को समझें और हल करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तब जाके चीजें बहुत अच्छे से आपको आएंगी, और तब जाके आप बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन मैंने जो स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ था, सबसे पहले मैं उसी को हल करा देता हूं। क्वेश्चन जो था हमारा दूसरे नंबर का, 23 पर 10 की घात माइनस, सॉरी
माइनस, ये माइनस है 10/24, किस से भाग नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा, है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं विभाजित नहीं होगा। एक ऑप्शन था हमारे पास 5, एक 4 और एक 3 और एक 7, इस तरीके से ये अपने पास में ऑप्शन थे। यह किससे विभाजित नहीं होगा, अब अभी के अभी ताजे ताजे हमने रूल पढ़े हुए हैं। रूल कैसे पढ़े हुए हैं दोस्तों, की घाते समान होनी चाहिए, है ना, लेकिन यहां तो यार पावर ही नहीं, और अगर आप लगाना भी चाह रहे हो तो कितने की लगाओगे, एक की लगाओगे और एक की घात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब हम क्या करेंगे, इसको घात में कन्वर्ट करेंगे, इतना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने देखा कॉन्सेप्ट एक ट्रिक टाइप का है, बहुत इजी है, तो कहां पे एग्जामिनर आपको फंसाएगा, क्वेश्चन में ही फंसाएगा ना। तो 2/10 की पावर, घाते कैसी है दोस्तों, सम है, घाते कैसी है, सम है, तो ये नंबर डिवाइड होगा ए प्लस बी से और ए माइनस बी से। अब यहां पर एक गलती ये भी ना कर दें आप कि ये इसको मान लें और बी इसको मान लें, ऐसा नहीं है, ये और बी ए है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ही तब डिजाइन हुआ जब आपने घातों को समान किया, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, तब जाके ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। तो 23 और 2 कितना 25, और यहां पर 23 माइनस 2 कितना 21। अब अगर आपको ऑप्शन में इस तरीके के आंसर क्या बताना है कि विभाजित नहीं होगा यार, लेकिन 25 से विभाजित है, तो आप ये ना लगा दें कभी कि इससे विभाजित नहीं, इससे तो होगा, क्यों, क्योंकि 5 × 5 और 3 × 7, इन जब 21 से हो रहा था, 21 से फैक्टर से ही तो होगा, किसी नंबर में 21 का भाग जा रहा है, 21 × 42, जब 42 में भाई 21 का भाग जा रहा है तो 7 और 3 का तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से यह किससे डिवाइड नहीं होगा, देख रहे पा रहे होंगे आप, 4 से डिवाइड नहीं होगा। ये क्वेश्चन था जो सेकंड मैंने आपके लिए लिखाया हुआ था, स्टार्टिंग में ही सेकंड क्वेश्चन आपके लिए लिखाया हुआ था, ये वह क्वेश्चन था दोस्तों, है ना, मेरे हिसाब से आप बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे बहुत अच्छा, जो कई बार रिपीटेड भी क्वेश्चन है, और आप अगर चाहें तो उस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन दूंगा तो वीडियो पॉज करके उसके आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। 27/23 + 23/23 + 19/23, है ना, ये पावर दोस्तों सभी पर समान ही लगी हुई है। यह किससे, यह किससे विभाजित है, विभाजित यह किस नंबर से है, ठीक है ना, ऑप्शन कुछ ये रहे 21, बी आपका 23 और सी 27 और डी है दोस्तों आपका 19। यह किससे विभाजित है, इतना आपके लिए बताना है दोस्तों, किससे विभाजित होगा यह नंबर, ये हमारे लिए बताना है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम आपकी तरह से सोचें या एक स्टूडेंट की तरह से सोचें, तो हम कोशिश यही करेंगे कि जो हमारे लिए भाज्य में नंबर दिए गए उनमें से किसी में देखें, या 21 से देखें, तो 21 कब डिवाइड करेगा, जैसे कि हम इन दोनों के सम की बात करते हैं, सम इनका कितना होगा दोस्तों, ये हुआ 50, है ना, तो ये दोनों नंबर हो सकते हैं 50 के मल्टीपल्स, और 50 का मल्टीपल मेरे हिसाब से तो यहां पे कुछ भी नहीं है, 50 खुद भी नहीं है, 50 स्वयं भी नहीं है, है ना, 50 यहां पर आपके लिए स्वयं भी नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तब आप क्या करेंगे, इसको तो छोड़ दें, ठीक है ना, या इन दोनों को छोड़ दें, अब इसको आप सम करेंगे तो इतना, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 9 और 3 = 12, और ये तो कितना हो रहा 42, 21 × 42, इससे जुगाड़ लग सकती है, लेकिन इस 21 का डिवाइड इसमें नहीं होगा। तो इस तरीके से हम ऑप्शनों को मैं छोड़ने की या हटाने की बात आपके लिए बता रहा हूं, ठीक है। यहां से हमें यह बताना है कि विभाजित किससे होगा, तो एक थोड़ा सा तरीका यह होता है कि इनके एक स्वयं के देखो भाई, डिविजर जो भाज्य हैं क्या वो भाजक में दे रखे हैं, तो 23 दे रखा है जैसे, तो 23 तो 23 से डिवाइड हो ही जाएगा, इन दोनों का आप सम करके देख लीजिए ना, तो इन दोनों का सम कितना हो रहा है दोस्तों, 46 हो रहा है, और 46 के मल्टीपल क्या होते हैं, 23 × 2, तो 46 से भाग नहीं जाएगा, भाग किससे जाएगा, 23 से, क्योंकि 46 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसमें तो चला, इसका 23 का इसमें चला जाएगा, इन दोनों में भी चला जाएगा, तो यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं इसी क्वेश्चन को आपके लिए शेषफल प्रमेय से बताऊं, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूं कि अभी हम न्यूमेरिकल मैथ्स पढ़ रहे हैं, और न्यूमेरिकल मैथ्स आपको सभी जगह जरूरत है, एक दूसरे टॉपिक चैप्टरों से इंटरकनेक्टेड है, तो यहां पर जब आप 27 में 23 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, +4, और इस पर कितने की पावर, 23 के, यहां पर आप भाग देंगे तो 0 ही आएगा, इस नंबर में, इसमें देंगे तो -4 पर 23 की घात आ जाएगी। प्लस माइनस ये कहां से लिख रहा हूं मैं, कैसे लिख रहा हूं, तो भाई मेरे अगर आप नए हो चैनल पर तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी आपको शेषफल प्रमेय की, आप वहां से चीजों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें ये बीच में प्लस साइन लगा हुआ है, ठीक है ना, तो ये प्लस माइनस का माइनस ही रहेगा, ये प्लस का रहेगा, तो प्लस माइनस क्या 0 इज इक्वल टू रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो ये रिमाइंडर में भी पूछ लेता है, जब रिमाइंडर 0 है इसका मतलब ये 23 से ही डिवाइड होगा ना,
सिंपल, बस यहां से आंसर आपका आ चुका है। मेरे हिसाब से आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए ही होंगे। एक क्वेश्चन में आपके लिए होमवर्क में जरूर लिख रहा हूं, है ना, तो आप उसका आंसर करें। तो दोस्तों ये रहा आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन, और आप इसका आंसर जरूर करें दोस्तों कमेंट बॉक्स में। क्यों? क्योंकि जब आप चीजों को हल कर रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे से चीजें याद रहेंगी और आपको हेल्प मिलेगी। ये आपके ऑप्शन है और ये एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। आपका RRB, NTPC और SSC में कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, तो आप आंसर जरूर करें दोस्तों कमेंट बॉक्स में, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं और अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। थैंक यू।